हेलो एवरीवन, आई एम आते आदन वाचिंग द सोशल इंडियन। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे व्हाट टू डू। तो आपको सब बता रहे होंगे, हम आज आपसे बात करेंगे व्हाट नॉट टू डू इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन यूएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2020। अब पहले तो लोग ये कई लोग पूछ रहे हैं कि जी एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो जी उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके भराए गए हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम भी लिया ही जाएगा। अब वो निश्चित है, चाहे वो अगले महीने हो, चाहे वो सितंबर में हो, चाहे वो कभी भी हो। आप जितनी अपनी प्रिपरेशंस को अच्छा अभी से कर लेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपको रीड, रिवाइज और रिपीट करने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे व्हाट यू शुड नॉट डू इन ऑर्डर टू क्लियर और इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन द यूएलबी एंट्रेंस एग्जाम। और जब मैं ये बात करता हूं तो मैं हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन को यहां पर डिकोड करूंगा आपके लिए। बात करूंगा शुरू में लीगल की, फिर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर इंग्लिश की, फिर लॉजिकल की, फिर आपके लिए मैथ्स की, फिर मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की। तो पांचों ही टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, जो हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए जी, सब्र कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम पहले बात करते हैं आपके लिए लीगल सेक्शन की। अब लीगल सेक्शन के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो यहां पर आपके लिए डीएलएलबी में आपको नहीं मिलता है। तो जब वो नहीं मिलता है तो आपको ये नहीं पता होता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही होती है कि आप जो है वो अपनी एनर्जी को गलत जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं और यहां पर आपके लिए जो अच्छी चीज है, जो आपको चाहिए, जरूरत है, उन चीजों को आप भूल जाते हैं। चलिए उन चीजों के लिए सॉल्यूशन तो आपको आगे ही मैं बताऊंगा, अभी आप रुकिए। और ये गलती मत कीजिएगा कि आप बहुत ही ज्यादा पढ़ने लग जाएं। आप अभी यहां पर लॉ की एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं, रादर देन आपके लिए यहां पर जो है आप एंट्रेंस क्रैक कर चुके हैं और जुडिशियरी की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं बेयर एक्ट पढ़े कि नहीं पढ़े, उसके अलावा सीआरपीसी पढ़े, पेटेंट एक्ट पढ़े, जी इतनी की जरूरत नहीं है। इतना तो आप यहां पर फैकल्टी में भी शायद ना पढ़े, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए लोगों के डाउट ज्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लिश को लोग इस बार नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर इंग्लिश नहीं आई थी। तो मैं ये कहूंगा ये गलती आप मत कीजिएगा, हो सकता है पिछले साल ऐसे नहीं आई थी, इस साल हो सकता है दोबारा से इंग्लिश ज्यादा आ जाए, पैटर्न का कोई यहां पर फिक्स कुछ नहीं है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स की। मैं दोनों को इनको एक ही कैटेगरी में रखता हूं क्योंकि लगभग इन दोनों से मिलाकर आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए हमारी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से उसको डिटेल में बताया। इसमें गलती लोग ये करते हैं कि सेक्शन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कहूंगा जी सेक्शन को मत छोड़िएगा, चलते रहने दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद आता है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। देखिए जीके के लिए लूसेंट से अच्छी किताब कोई नहीं है, अगर आप कहीं भी चले जाइए लूसेंट से अच्छी किताब आपको नहीं मिलेगी। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मंथली मैगजीन पकड़ लीजिए, सितंबर 2019 से शुरू कर लीजिए और यहां पर आपके जितने भी महीनों तक होता है, चाहे जुलाई तक हो, चाहे वो अगस्त तक हो। वैसे तो मिशन एडमिशन ग्रुप्स में हम यहां पर आपके लिए फ्री पीडीएफ्स भी दे रहे हैं। यहां पर करंट अफेयर्स मई की हमने फ्री प्रोवाइड की थी और जून की मैं यहां पर आपके लिए थोड़ी देरों में डालने वाला हूं, जून जुलाई की। जैसे जुलाई खत्म होता है वैसे आपको जुलाई की भी मिल जाएगी, तो वहां तो मैं फ्री आपके लिए प्रोवाइड कर ही रहा हूं। तो उसके लिए आप ग्रुप नीचे लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बचिए और देखिए करंट अफेयर्स में आपके लिए क्या रेलेवेंट हो सकता है, पैटर्न समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और उस हिसाब से तैयारी को कीजिए। चलिए इन सभी बातों के बाद, इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के बाद मेरे पास एक चीज आ जाती है और एक चीज मैं आपको बताना चाहता था कि हमारा जो है वो सिक्स बैच जो है वो लीगल एप्टीट्यूड प्लस लीगल रीजनिंग प्लस आपके लिए पॉलिटी का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। 10 दिन प्लस एक डाउट सेशन डे में हम ये बहुत अच्छे से कवर कराते हैं। और आप अभी जब मैं ये कह रहा हूँ कि 10 दिन में कवर कराते हैं तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि कैसे ये हो जाता है। तो उसके लिए आप रिव्यू वीडियोस देख लीजिएगा, जो फिफ्थ बैच के बच्चे उन्होंने यहाँ पर आपके लिए प्यारी प्यारी रिव्यू वीडियोस बनाई हैं और उन्होंने कोर्स कैसा है, क्या है उसमें, वो सभी चीजें बताई हैं, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए हो सकता है। चलिए उसके बाद मैं यहां पर बात करता हूं 20 जुलाई से वो कोर्स जो है स्टार्ट होगा, 30 जुलाई या 31 जुलाई तक हम वो आपके लिए कोर्स पूरा कर देंगे और इन 10-11 दिनों में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए रिव्यू वीडियोस को भी देख लीजिएगा, मैंने पैसे देकर नहीं बनवाई है इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं एंड में उसे अटैच कर दूंगा, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे वो 7 मिनट की हो। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में यहां पर छोड़ दूंगा और सारी ही चीजें आपके लिए डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूंगा। चलिए तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कोर्स हो सकता है, जिन लोगों को मनी की सच्ची में वैल्यू हो, पर जिनको नहीं है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, जहां मर्जी जाना चाहे जा सकते हैं, खुली छूट है, सारी चीजें अच्छी होती हैं। अब भाई जो कुछ महंगा दे रहा है तो भाई आपको अच्छा भी मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर इसके अलावा मैं बात करूं तो डू एंड डोंट्स की एक मास्टर टिप मैं आपको आज ये देना चाहूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए जो मैं हमेशा कहता हूं, पहला है कॉन्फिडेंस और दूसरा है आपका पेशेंस। उसके अलावा अगर आपकी नॉलेज थोड़ी सी कम भी होगी तो भी आप इस एंट्रेंस को आराम से निकाल सकते हो, वो बिल्ड करना सीख लीजिए, वो चीजें निकालना सीख लीजिए और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो फिगर आउट कर लीजिए। सबसे पहले इररिलेवेंट टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आपका एक एक मिनट, एक एक घंटा जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। चलिए जी
इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मैं अपनी तरफ से यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को और यहाँ पर आपके लिए रिव्यू वीडियो अटैच कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है और डिसाइड कर सकें कि आपको 20 जुलाई से ज्वाइन करना है या नहीं। नीचे लिंक भी है, वहां से भी चीजें सारी फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत। हाय, दिस इज स्तुति कुशवाहा एंड आई हैव बीन अटेंडिंग द सोशल इंडियन क्लासेस एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट आदित्य सर फॉर टीचिंग अस सो गुड एंड आई थिंक हिज टीचिंग स्किल्स आर सो डैम गुड। ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल दैट ही क्लियर्ड माई सो मेनी डाउट्स रिलेटेड टू लीगल पोर्शन इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे विथ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ऑफ डे टू डे लाइफ एंड या थैंक यू सो मच सर। आई एम विदुषी और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि क्लास लेना है या नहीं लेना है वो अल्टीमेटली आप लोगों का डिसीजन है और मैं इस वीडियो के थ्रू अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली DULLB के बारे में मुझे अप्रैल में पता चला था बट कोरोना वायरस के वजह से सारे स्टोर्स बंद थे और मेरे पास कुछ भी स्टडी मटेरियल नहीं था पढ़ने का। बाकी सारे DULLB के पेपर के कॉन्सेप्ट्स मैं धीरे धीरे अपने साथ में लेके चल रही थी बट लीगल में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आदित्य सर की क्लास के बारे में मुझे यूट्यूब पे थ्रू पता चला था और मैं उसे लेने से पहले काफ़ी अनश्योर थी कि पता नहीं 10 डेज में कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा और डाउट्स वगैरह किस तरीके से लिए जाएंगे। बट ऑनेस्टली बिलीव मी, फर्स्ट डे के क्लास के बाद ही मुझे इस चीज़ का बिलीव हो गया था कि हाँ क्लासेस हो जाएंगी 10 डेज में कंप्लीट। मेरे साथ में ये है कि मैं क्वेश्चंस विदाउट कॉन्सेप्ट समझे उसको नहीं सॉल्व कर सकती और इस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प मिली थी आदित्य सर की क्लास के थ्रू। और क्योंकि उसके फर्स्ट से सेकेंड डे के बाद ही मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि वो आपको इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देते हैं ना कि आप उसे बिल्कुल लॉजिकल लीगल रीजनिंग में आप उसे बहुत ही अच्छे से उसे पुट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब भी सभी क्लास होती है ना तो डाउट्स वगैरह वो उसी क्लास में सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो डाउट्स आपके घर तक जाएं। सर साथ में ही डाउट्स वगैरह सारे लेते चलते हैं। तीसरी चीज़ ये कि इन सब बीच में जब क्लासेस इतनी ज़्यादा नोट्स वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल हैं, सर ने बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अपनी क्लासेस रखी हैं जो इजीली हर कोई अफोर्ड कर पाता है। चौथी चीज़ ये कि जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हो यू वॉन्ट टू नो वट यू आर गेटिंग योर सेल्फ इन टू और ये चीज़ मेरे साथ इसलिए भी हुई थी क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर DULLB तो मुझे जानना था कि वहाँ का कैंपस कैसा है, वहाँ की प्रोफेसर्स कैसे हैं, वहाँ का टीचिंग मेथड कैसा है और क्या कहते हैं कि वहाँ प्लेसमेंट्स किस तरीके से होंगी। इन सब चीज़ों में आदित्य सर ने काफ़ी हेल्प करी थी क्योंकि वो आपको एज अ मेंटर गाइड कर सकते हैं और वो बता सकते हैं क्योंकि यार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास में इन सब चीज़ों का और वो आपको इन सब चीज़ों से हेल्प कर सकते हैं। सो इतने सारे अगर रीजंस के बाद भी अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं दैट्स योर लॉस नॉट आस, बिकॉज हम लोग ने तो कर लिया। हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश गर्ग और मैं भी आपकी तरह DULLB के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने सर की क्लासेस ली है और सच बताऊँ तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। लीगल सेक्शन में क्या होता है ना यार, आप कब तक रट लोगे, कितना रटोगे लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सर की क्लासेस मेरे लिए ऐसी थी जैसे सर ने मुगली घुटी कूट कूट के दिमाग में बिठा दी हो। सिर्फ 10 ही दिनों की क्लास है, आपको लगेगा कि इतनी सी में क्या होता है लेकिन इसमें बहुत फायदेमंद है, आप एक बार लेकर देखो। मेरे साथ क्या हुआ था ना, जैसे आपको कोई अच्छी सी एक वेब सीरीज मिल जाती है आप उसको बिंज वॉच करते हो, आप उसको देखते रहते हो लेकिन एक पॉइंट पर आपके मन में एक ऐसी इनसिक्योरिटी आती है कि यार ये सीरीज खत्म हो जाएगी, यार ये सीरीज खत्म नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो ये वाली इनसिक्योरिटी मेरे मन में 2 क्लास लेने के बाद 3री क्लास में आ गई थी, यार ये सर की क्लासेस खत्म नहीं होनी चाहिए। और अब मैं सोच रहा हूँ सर की मैं लॉजिकल की भी क्लास ले लूँ, तो ले लो यार, इतने बहुत रीजनेबल प्राइस पर है, ठीक है। और हम अपनी एजुकेशन और अपने खाने पर जो पैसा हम स्पेंड करते हैं ना वो एक्सपेंस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। आप लो, आपको अच्छी लगेगी और नहीं भी लोगे तो अच्छी बात है, हमारा कंपटीशन थोड़ा कम ही होगा, बाकी आप लो अच्छी है। थैंक यू। माइसेल्फ सोना मरिया, मैंने YouTube में इस क्लास के बारे में देखा था। सर बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं और बहुत अच्छे और सिंपल एग्जाम्पल भी देते हैं। पहले मुझे इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था लेकिन आपकी क्लास सुनने के बाद आप बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं आप क्लास में और YouTube में, तो मुझे थोड़ा आइडिया भी मिला और कॉन्फिडेंस भी मिला। थैंक यू सर, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम कुमार मिश्रा एंड आई केम टू न्यू अबाउट दिस कोर्स फ्रॉम आदित्य सर्स यूट्यूब चैनल द सोशल इंडियन. द कोर्स इज ऑसम एंड इट इज़ वेरी यूजफुल एंड आई वुड रिकमेंड दिस कोर्स टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ड्यू LLB. द कोर्स इज वेरी चीप एज वेल, इट्स जस्ट 750 rupees. यू शुड जॉइन इट वंस बिकॉज आफ्टर जॉइनिंग द कोर्स यू आर गोइंग टू रियलाइज हाउ मच द कोर्स इज फ्रूटफुल फॉर यू. The best part about the course is Aditya sir's example. They are so relatable with your real life that you will get the concept very easily and you are not going to forget it. Once again, I want to thank Aditya sir for this lovely course and I would recommend you to join this. Thank you. Hello everyone, I'm Sakshi Hans. सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी. आपने हमें इतने कम टाइम में हमारा पूरा सिलेबस कवर करवाया, वो भी इतने मिनिमम प्राइस पे. कोई भी नहीं करता है वैसे तो ऐसा, बट आपने हमारे लिए किया. थैंक यू सो मच अगेन सर. हाँ सर, आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक्स है, वे ऑफ हैंडलिंग द क्वेरीज है, दैट्स फैंटेस्टिक. आप हमें हमसे रिलेट करके एग्जाम्पल्स देते हो, वो बहुत हेल्प करता है हमें हमारे डाउट्स को क्लियर करने में. सर, आप बच्चों को एनालाइज बहुत अच्छे से करते हो, क्या कौन कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है. हमारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो. जो भी ड्यू एस्पिरेंट्स हैं, मैं सबको ये बैच रिकमेंड करूँगी कि वो ये बैच ज़रूर ज्वाइन करें, उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे. एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस बैच सर. थैंक यू सो मच अगेन. आई वॉज नॉट प्लान टू टेक कोचिंग फॉर द एंट्रेंस, बट one day scrolling down the YouTube, I saw preparation strategy video by Aditya sir and I enrolled to 10 days course, and it is really helpful for me. In a short span of time, I am able to cover a large portion of syllabus. By doing this, I am now in a position to target my weak portion, and it is by enrolling to this course, I was able to bifurcate between what to study and what not to study. It helps me a lot, and guys, I really recommend you all to join this course. It is really amazing. Enroll to this course, you will get a lot of benefits. If people are looking to crack the ULLB exam, the best person to reach is Aditya sir. Because he not only teaches, he builds up your spirit to crack the exam, and he gives you the overall brief, and he walks you through the subject line of the DULLB entrance exam. His coaching is only enough to crack the exam. There is no need of any other coaching. Just get the coaching from him and crack it. Hello guys, myself Tarun Sharma. Recently I joined the legal portion classes for DULLB entrance by Aditya sir, and firstly I would like to thank Aditya sir for making things so simple. To be honest, many अभी तक preparation start भी नहीं की है, और चीज़ों को ये कितना पढ़ना है, कितना depth तक पढ़ना है, और exam point of view से क्या relevant रहेगा, तो इनको लेके दिमाग में बहुत सारे doubts थे. पर after joining this batch सारे doubts clear हो गए हैं, और अभी कोई भी डाउट नहीं है. सर ने चीज़ों को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाया है, और लीगल पोर्शन को एकदम अच्छे से बताया गया है. तो इस रीज़नेबल रेट में आपको इससे अच्छा कोई अल्टरनेट नहीं मिल सकता, और अगर आपने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो ये बैच आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है. हेलो, दिस इज़ अमन एंड आई वॉन्ट टू से आदित्य सर, योर क्लासेज इज़ वेरी नाइस. यू क्लियर माई लॉट्स ऑफ डाउट विच आई स्टडी विदाउट एनी हेल्प, and your teaching skill is very nice, like as a friend. Thank you. The Social Indian is बहुत ही अच्छा platform है legal की तैयारी करने के लिए. किसी भी LLB के entrance देने के लिए आप बहुत अच्छा channel है, और सर बहुत ही अच्छी concept, बहुत ही अच्छे से concept clear करते हैं. सर के concept एकदम example से सटीक रहते हैं, और thank you sir. Myself Ashutosh Tripathi from Allahabad. I graduated even from Indian Christian College, Allahabad. सर, फाइनली आपका क्लास ज्वाइन किया, और अभी तक तो सर सब अच्छा चल रहा है. बट सर, रिक्वेस्ट ये थी कि जो आप पढ़ा रहे हो वो लेवल जो है वो बहुत नीचे है. इट्स नॉट कि हमने सोचा था कि जो लेवल आपका होगा वो बहुत हाई होगा,
और जहाँ तक मैंने DU के पेपर एनालाइज किया है, इस तरीके के लेवल के क्वेश्चन से वहाँ हवा भी शायद न लगे। और आई होप सर कि अगर आप नेक्स्ट बैच, अब हम लोग का तो बैच लगभग और हो चुका है, बट सर अगर नेक्स्ट बैच जब आपके पास आए तो सर उसको उस लेवल का पढ़ाइए जो मतलब उस क्वेश्चन में उस फंसने, जैसे आज आपने मुस्लिम लॉ पढ़ाया तो सर हमें हंसी आई कि 3 शब्दों में आपने पूरा मुस्लिम लॉ ख़त्म कर दिया। सर ओवरऑल कोर्स आपका अच्छा है, बट हमने सोचा था कि कुछ नई भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जितना मुझे आता है। हमें तो सर नहीं लगा कि कुछ बेटर या फिर उससे ज़्यादा कुछ सीखने को मिला हो। बाकी ठीक है सर, आप जो भी पढ़ाया अच्छा लगा और आपके साथ बताए सारे चीज़ अच्छे लगे। ओके सर, इतना कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय सर। हेलो आदित्य सर, नितिन दिस साइड, थैंक यू फॉर एनरोल्ड मी फॉर दीज क्लासेस। आफ्टर टेकिंग दीज क्लास आई फील व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव, थैंक यू फॉर दैट। एंड बिफोर दिस क्लास आई एम वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, बट आफ्टर टेकिंग योर क्लासेस आई एग्जैक्टली नो व्हाट टू रीड फॉर माई प्रिपरेशन, and this is very beneficial for me, and thank you for this, thank you very much. Hello guys, this is K Likhit. कोर्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत शॉर्ट कोर्स है और बहुत प्रिसाइज है कि हमें जो DU LLB के लिए चाहिए एंट्रेंस के लिए एग्जैक्टली वही पढ़ाते हैं, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, और जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच आदित्य सर। बस एक ही छोटा सा दिक्कत कहूँ या फिर जो भी कहूँ, सर डराते बहुत हैं पर बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सो उसके लिए थम्स अप। और बस और क्या कहूँ, थैंक यू एंड आई होप दैट आई विल सी यू सून एट लॉ फैकल्टी। मैं सूरज सुहाग DU LLB की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। इसी तैयारी के लिए मैंने आदित्य यादव जी की DU LLB एंट्रेंस टेस्ट के लीगल कोचिंग के बैच को 6 जुलाई से ज्वाइन किया है। आज इस बैच का 7वां दिन है। अभी तक जितने भी सेशंस हुए वो काफ़ी ज्ञानवर्धक और अटेंड करने लायक थे, और मैं आदित्य यादव जी को शुभकामना देता हूँ कि इनके इस प्रयास में इनको बहुत बहुत सफलता मिले, और जो मेरे अलावा अन्य लोग भी इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी DU LLB के एंट्रेंस में सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद। हेलो गाइस, दिस इज आदित्य। अगर आप लोग द सोशल इंडियन चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप यूट्यूब पे कोई अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे होंगे DU LLB एंट्रेंस से रिलेटेड। अगर आप DU LLB में अप्लाई किए हो तो आदित्य सर के लीगल क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल रिलेवेंट टॉपिक से पढ़ाते हैं सर, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ाते हैं, हर एक कंसेप्ट को डिकोड करा के एग्ज़ाम्पल के साथ सर समझाते हैं। अगर आप भी ये कोर्स लोगे तो 10 दिन के बाद जब ये कोर्स ख़त्म होगा तब आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ आता है, ज़ीरो से आप हीरो बन चुके हो लीगल पोर्शन में। तो अगर आपको भी आप भी चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें तो ज़रूर लीजिए आप सर की क्लास, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, एंड मिलते हैं फिर फैकल्टी में। हेलो सर, सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट बाय थैंक यू सो मच सर जो आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया। आई थिंक अभी डिजिटली कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है जो हमें इतनी जेन्युइनली DU LLB के लिए पढ़ाए, एंट्रेंस के लिए पढ़ाए। जिस तरीके से आपने हमें एग्जाम्पल्स दी, वी वर कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व्ड, इनफैक्ट आई वॉज सॉल्विंग वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, और जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करी थी जो आपने एग्जाम्पल हमें क्लास में दिया था सेम वही एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में भी था, तो दैट वॉज वेरी गुड। एंड सेकेंडली आई थिंक जो आपने हमें कहा था कि आप हमें जीरो से हीरो बना दोगे, आई थिंक दैट वॉज ट्रू। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी टॉट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट आई थिंक जैसे कि आपने हमें कहा था जीरो से हीरो बना देंगे, 5 दिन में इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज आ गई, सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं,
सो थैंक यू सो मच सर. और जो आपने हमें कहा कि आप हमें क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, दैट इज चेरी ऑन द केक. थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए. गुड मॉर्निंग सर. सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. तो सर देखो, मैंने जो स्कूलिंग की थी वो मेरा एक गवर्नमेंट स्कूल था, यहीं पे मेरे नियर बाय पढ़ता है, नियर बाय था, तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल में चले गए हम. और मैंने ग्रेजुएशन भी ओपन से की थी, तो मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी. मेरा जो एनवायरनमेंट था वो भी सारा हिंदी का बोलने वाला था. इंग्लिश के इश्यूज आते थे. और मैंने पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की थी, ट्रस्ट ही नहीं था, पता नहीं था कि कैसी क्लासेस होती हैं, कैसे नहीं होती, तब समझ आएगा या नहीं आएगा, इंग्लिश इश्यूज होते थे. फिर यूट्यूब से देखा, यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया, मार्केट में पता किया, तो पता चला कि DU LLB के जो क्लास जो मटेरियल मिलता है वो सब कुछ इंग्लिश में ही होता है. तो इंग्लिश इशू मेरा एक मेन प्रॉब्लम था. तो फिर मैंने धीरे धीरे, जैसे कि यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि कैसा पढ़ा जाए, तो वहाँ पर मैंने एक दिन आपका चैनल देखा. वहाँ पर भी मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे किस फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहिए, CLC या LC1 या LC2, आई डोंट नो. इसलिए मैं आपके पास गया था. वहाँ पे मैंने देखा कि आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हो ऑनलाइन, तो मैंने सोचा चलिए देखते हैं. मैंने आपके रिव्यूज़ देख कर मुझे अच्छा लगा, तब मैंने तुरंत आपसे कांटेक्ट किया. आपसे कांटेक्ट करने पर पता लगा कि आप तो एक बहुत लिटल, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट कंसिडर करते हैं, और उतने में तो शायद किसी की DU LLB की एक बुक ही आएगी. तो मैंने सोचा चलिए फिर ट्राई करते हैं. इससे मतलब कि मुझे वो स्मॉल अमाउंट लगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, कम से कम एक ऑप्शन है. इसके अलावा मेरे को पास कोई ऑप्शंस भी नहीं थे क्योंकि कोरोना क्राइसिस चल रहा था, और कोरोना में कहीं बाहर इंस्टीट्यूशन या किसी पे भी हम जा नहीं सकते थे, तो हमें घर बैठे ही पढ़ना था और एंट्रेंस क्लियर भी करना था. तो मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, धीरे धीरे हमारी बात हुई और मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की. क्लास ज्वाइन होने के बाद फर्स्ट डे तो मैं नर्वस में ही रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है. तो उसमें तो मैंने, क्योंकि मैंने पहले कभी अटेंड नहीं की थी, मैंने जूम ना तो जूम ऐप पे यूज़ किया था, ना कभी पहले ऑनलाइन मीटिंग की थी, आई डोंट नो क्या कैसे होती है. तो मैंने फर्स्ट डे आपके यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की तो मैं नर्वस में रहा. सेकंड डे मैं धीरे धीरे करके कंफर्ट जोन में आया, क्योंकि जो आप एग्जांपल देते हो ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बंद हम में से ही किसी को एक का छाट के उसी के ऊपर एग्जांपल बना के दे देते हो, ठीक है. तो सेकंड डे को मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आ गया, मुझे सब कुछ समझने आने लगा, जो टॉपिक्स है सब टॉपिक्स सब कुछ समझने आने लगे धीरे धीरे. सर आपके जो टीचिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, जो आप एग्जांपल देके जो सबको समझा देते हो, दैट वाज ग्रेट. हिंदी और मेन जो बात है जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी, इंग्लिश इश्यूज थे मुझे, तो आप ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराते थे, तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ. हम वैसे तो आपको वैसे तो सर सर बोलते हैं, लेकिन आप हमें फ्रेंड की तरह ट्रीट करके एक कम्फर्ट जोन में ले आते हो. उस कंफर्ट जोन में आके हमें सब कुछ समझ में आने लगता है ना, हम नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सभी नर्वसनेस में होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, पढ़ाई में लगता नहीं, और इसलिए आप दैट वाज ग्रेट, योर टीचिंग स्किल्स आर ऑसम. और सर जो आपके साथ 10 दिन की जो जर्नी रही मेरी वो बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही. बेस्ट ऑफ लक सर, एंड मेरी बेस्ट विशेस उन सभी के साथ जो DU LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं. थैंक यू दे देते हो, ठीक है. तो सेकंड डे को मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आ गया, मुझे सब कुछ समझने आने लगा, जो टॉपिक्स है सब टॉपिक्स सब कुछ समझने आने लगे धीरे धीरे. सर आपकी जो टीचिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, जो आप एग्जाम्पल दे के जो सबको समझा देते हो, That was great. हिंदी और मेन जो बात है जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी, इंग्लिश इश्यूज थे मुझे, तो आप ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराते थे, तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ.
वैसे तो आपको वैसे तो सर सर बोलते हैं, लेकिन आप हमें फ्रेंड की तरह ट्रीट करके एक कंफर्ट जोन में ले आते हो। उस कंफर्ट जोन में आके हमें सब कुछ समझ में आने लगता है ना। हम नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सभी नर्वसनेस में होते हैं, हम हमारा ध्यान कहीं और होता है, पढ़ाई में लगता नहीं। और इसलिए आप दैट वॉज ग्रेट, योर टीचिंग स्किल्स आर ऑसम। और सर जो आपके साथ 10 दिन की जो जर्नी रही मेरी, वो बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही। बेस्ट ऑफ लक सर, एंड मेरी बेस्ट विशेस उन सभी के साथ जो DULLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। थैंक यू।